नमस्कार, इंडिया खबर लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा और अब खबरें विस्तार से। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान अस्तित्व में आई सपाक्स पार्टी आने वाले लोकसभा चुनाव में 9 राज्यों की 55 सीटों से अधिक पर अपने प्रत्याशी उतारेगी, साथ ही एमपी की 15 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। यह जानकारी ग्वालियर पहुंचे सपाक्स पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हीरालाल त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी। ग्वालियर पहुंचे सपाक्स अध्यक्ष हीरालाल त्रिवेदी का कहना है कि इस बार के लोकसभा चुनाव सपाक्स पार्टी समान विचारधारा वाली 11 पार्टियां और हैं। इस बार वो सभी राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ भी अपने प्रत्याशी मैदान में उतारने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ प्रत्याशी उतार रहे हैं। अगर एमपी की बात करें तो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ ही प्रत्याशी उतारने जा रहे हैं और दिग्विजय सिंह के खिलाफ खुद हीरालाल त्रिवेदी चुनाव लड़ेंगे। देखिए, सपाक्स पार्टी का उदय आरक्षण में जो विकृतियां आ गई है, जातिगत आरक्षण में, उसको दूर करने के लिए और एट्रोसिटी एक्ट जैसे काले कानून को ख़त्म करने के लिए ही हुआ है। विधानसभा चुनाव में भी हम लड़े थे। विधानसभा चुनाव में चूंकि हमारी पार्टी का पंजीयन ही बीच चुनाव में हुआ था, इस कारण उस समय देरी हो गई थी। इस बार हमें पर्याप्त समय मिला है और हम पूरी तैयारी के साथ चुनाव मैदान में हैं। मध्य प्रदेश में लगभग 15 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। मध्य प्रदेश के बाहर भी लगभग हम 35-40 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। 9 राज्यों में हम चुनाव लड़ रहे हैं। हीरालाल त्रिवेदी ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने एट्रोसिटी नाम का काला कानून लाकर समाज को बांटने का काम किया है, इससे अपराधों का ग्राफ ऊंचा हुआ है। साथ ही कहा है कि इस बार पार्टी एक देश एक कानून और एक झंडा के नारे के साथ चुनाव में आएगी। और हमारा इस बार का जो मुख्य नारा है वो है एक देश एक झंडा एक कानून। जितने ऐसे लोग हैं जो राजनीतिक में जातिवाद का जहर घोल रहे हैं या जिन्होंने एट्रोसिटी एक्ट में ये अमेंडमेंट किया, चाहे वो किसी भी दल के हों, हम उन सभी दल के खिलाफ उम्मीदवार उतार रहे हैं। चाहे राहुल गांधी जी हों, दिग्विजय सिंह के खिलाफ तो हमने खुद कहा है कि हम चुनाव लड़ेंगे, उनके खिलाफ कहीं से चुनाव लड़ेंगे तो वो हम सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के विरुद्ध भी उम्मीदवार उतार रहे हैं। यहाँ आपके सिंधिया जी के विरुद्ध भी उम्मीदवार उतार रहे हैं, नरेंद्र सिंह तोमर के विरुद्ध भी उम्मीदवार उतार रहे हैं और भागीरथ प्रसाद जी के विरुद्ध भी उम्मीदवार उतारेंगे। तो जितने भाजपा कांग्रेस के लोग हैं उन सबके विरुद्ध उम्मीदवार उतारेंगे और हमारे कार्यकर्ता इस बार उनका पुरजोर विरोध करेंगे। ग्वालियर के पड़ाव थाना इलाके के मोती पैलेस के पास एक युवक की लाश मिलने से यहाँ सनसनी फैल गई। मृतक के परिजनों ने इस मामले में हत्या की आशंका जताई है, जिसके बाद पुलिस ने मृतक के शव का पीएम कराकर मामले की विवेचना शुरू कर दी है। मृतक दिलीप साक्य नशे का आदि था और ललितपुर कॉलोनी का रहने वाला था और पिछले कई सालों से अपने घर नहीं जाकर नशा करने का आदि हो गया था। पुलिस फिलहाल मामले की विवेचना में जुटी है। जी, मेरा भाई है छोटा। क्या नाम है? इसका नाम दिलीप साक्य है। तो जी कम से कम 10-15 साल से लापता है, यही संग रहता है लोग बाबू का, तब से पता है। अभी वो लड़का गया था मेरे साथ घर पे, वो बता के आए। क्या काम करते थे? कितनी उम्र थी इनकी? इसकी उम्र है 30-35 साल के। करते क्या थे? ये ऐसे ही कभी ऑटो चलाता था, कभी ऐसे ही घूमता था साथ। क्या नशे के भी आदि? हाँ, नशे इसमें कभी मालूम पड़ा था मेरे को, इसमें लेता था। यहाँ क्या इसका कभी किसी को विवाद वगैरह कभी हुआ आपने कुछ? अब जो ऐसे ही घूम रहे हैं हमारा, तो अब मुझे तो जानकारी नहीं है इसकी। कोई महिला भी थी संग में? हाँ, वो है, बाहर रहेगी इसकी, वो तो ऐसे ही रखे हैं, कोई शादी नहीं भाई इसकी, कुंवारा है। रहते कहाँ थे वैसे? जी यहीं रहता था, कभी माड़वे की माता, कभी असलेश्वर पर, ऐसे रहता था। मैं ललितपुर कॉलोनी बंसी की बगिया रहता हूँ। ये सूचना एक व्यक्ति के यहाँ पड़े होने की खबर मिली थी कि एक व्यक्ति वहाँ पड़ा हुआ है, उसको चोट लगी है। तो यहाँ देखा आके हमारी दोनों थाना प्रभारी हैं सीएसपी साहब ने, तो ये लग रहा है कि ये मर्डर तो है निश्चित रूप से। और इस ये व्यक्ति के बारे में ये पता लगा अभी तक, ये अचलेश्वर पर और एक दो मंदिरों पर ये मांगता खाता था, वहाँ पर भंडारे और कुछ व्यक्तिवृत्ति टाइप की करने की इसकी खबर मिली है। ये यहाँ पे कैसे आया है? अब चूँकि ये बिल्कुल एकांत जगह है और यहाँ पे ये लेटा है, वहाँ पे दो शराब के गिलास भी रखे मिले हैं
तो हो सकता है इसके साथ में कोई और रहा हो। और ये भी सहूलत मिली है कि ये नशा वशा करने का आदि था, शराब पीता था। तो देखते हैं हम लोग क्या नाम है, अभी नाम वगैरह तो नहीं आया सामने, लेकिन इसकी पहचान ये हुई है दिलीप साके, हाँ दिलीप साके बता रहे हैं। और मंदिर अचलेश्वर मंदिर पर बताते हैं लोग, ये वहाँ बैठता था। बस में महिलाओं व विकलांगों के लिए 5 सीट आरक्षित रखना अनिवार्य है, लेकिन इस आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है। इस बात को संज्ञान में लेते हुए आरटीओ ने सभी बस ऑपरेटरों को निर्देश जारी कर कहा है कि 31 मार्च तक सभी बस ऑपरेटर्स गेट के पास वाली 11 से 15 नंबर की 5 सीट विकलांगों के लिए व महिलाओं के लिए आरक्षित रखें। ड्राइवर के पीछे वाली सीट भी महिला के लिए सुरक्षित रखें, ताकि महिलाओं को फीडिंग कराने में परेशानी नहीं हो। इस सीट के लिए पर्दा लगाना भी जरूरी किया गया है। होली का त्यौहार मनाने घर आए लोगों का वापस लौटने का सिलसिला शुरू हो गया है, जिसके चलते ट्रेनों में खासी भीड़ देखने को मिल रही है और अगले 3 दिन तक अधिकांश ट्रेनों में रिजर्वेशन फुल हैं। लोगों को तत्काल में भी कंफर्म टिकट मिलना मुश्किल हो रहा है। होली के बाद ट्रेनों में सामान्य कोच के साथ ही रिजर्वेशन कोच भी पूरी तरह से फुल रहे हैं। ऐसे में व्यवस्थाएँ बनाने में RPF एवं GRP को भी खासी मशक्कत करना पड़ रही है। लोगों की सुबह से आरक्षण सेंटर पर रिजर्वेशन के लिए भीड़ लग रही है, मगर तत्काल में भी कंफर्म टिकट मिलना मुश्किल हो रहा है। इसी वजह से RPF TI ने स्टाफ को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं, जिससे असामाजिक तत्वों पर निगाह रखी जा सके। ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए हथियारों की बड़ी खेप के साथ आरोपी को दबोचा है। पुलिस को सूचना मिली थी कि बस स्टैंड इलाके में एक युवक हथियारों की बड़ी खेप के साथ पहुंचा है, जिस पर पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को दबोच कर उसकी तलाशी ली, तो पुलिस को उसके पास से 10 देसी पिस्टल, जिंदा राउंड एवं मैगजीन बरामद की। आरोपी ने अपना नाम देवेंद्र जाधव निवासी भिंड बताया है और वह सैंधवा से हथियार खरीद कर लाया था और उसे बेचने की फिराक में था। बताया गया है कि वह बदमाश पूर्व में भी हथियार बेचने के मामले में पकड़ा जा चुका है। आगामी इलेक्शंस को देखते हुए अवैध शराब और अवैध हथियार के विरुद्ध जो अभियान चलाया जा रहा है, उसमें क्राइम ब्रांच की टीम को एक अच्छी सफलता मिली है। आरोपी देवा जादवन की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें 10 पिस्तल बरामद हुई हैं। देवा जादवन मूलतः भिंड जिले के गोरमी का रहने वाला है। पूर्व का आपराधिक रिकॉर्ड भी इसका प्राप्त किया गया है और अभी जो असलाह मिला है वो उसके बारे में पूछताछ की जा रही है कि कहाँ से ये लेके आते हैं सामान और इनकी योजना उसको कहाँ पर खपाने की थी। तो अभी पूछताछ के दौरान आगे जो भी और फैक्ट आएंगे वो आपको अवगत कराया जाए। प्राथमिक पूछताछ में तो जनरली यही बताया गया कि मुझे जो प्रॉफिट हो रहा था पर पिस्तल, डिपेंड करता है केस टू केस, तो वो है। इसके अलावा मुझे जानकारी नहीं है कि जो उपयोग करने वाले लोग हैं वो क्या उपयोग करेंगे, कैसे करेंगे। तो अभी और पुलिस रिमांड लिए जाएगा, हमें पूछताछ संभावना से इंकार नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग लगातार इस अभियान को जारी रखे हुए हैं, जिससे कि इलेक्शन शांति से इस अंचल में हो सके। होली के पर्व पर जिम के बाहर शराब पीकर फायरिंग कर रहे एक जिम संचालक का जब यहां से निकल रहे युवक ने वीडियो बनाया, तो जिम संचालक ने अपने साथी की मदद से युवक के साथ मारपीट कर दी, जिसके बाद पीड़ित युवक ने बड़ापुर थाने में मामला दर्ज कराया। पीड़ित युवक का नाम घनश्याम धाकड़ बताया गया है, जिसने जिम संचालक प्रमोद और विक्की के खिलाफ मारपीट की शिकायत दर्ज कराई है। अभी उनके जो अपराध दर्ज हुआ है उसमें पुलिस टीमों ने दबिश दी थी, अभी आरोपी नहीं मिले हैं। उसमें उनकी गिरफ्तारी के पश्चात उनके द्वारा जो भी उल्लंघन किया गया है आर्म सेट का और वर्तमान में MCC के दौरान इस प्रकार की घटना का, उनके विरुद्ध कार्रवाइयाँ प्रस्तावित की जा रही है। आपने जनरली देखा होगा कि जितने मैरिज गार्डन वाले हैं उन सबको मीटिंग लेके स्पष्ट बताया गया है और उनको बताया गया है कि अगर हर्ष फायर होता है तो ना सिर्फ आयोजक अपितु जो मैरिज गार्डन वाले भी समान दोषी होंगे, क्योंकि किसी की जान जा सकती है। इसलिए जो शादी समारोह हैं उनमें इस प्रकार की घटनाएँ हर्ष फायर की आजकल देखने को नहीं मिल रही हैं। होली के अवसर पर ये घटना हुई है, तो इसके पीछे में हम लोग पूरी गंभीरता से इसका आकलन कर रहे हैं और इसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। अवैध वसूली करने वाले हवलदार की पिटाई का मामला सामने आया है। बताया गया कि अवैध वसूली से परेशान ट्रक चालकों ने हवलदार की पिटाई कर दी। लाइन में पदस्थ हवलदार राम अवतार की पिटाई की यह घटना गोलेका मंदिर चौराहे की है, जिसके बाद हवलदार की पिटाई का वीडियो वायरल होकर SP नवनीत बसीन के पास पहुंचा,
दोनों ने तत्काल प्रभाव से उस हवलदार को निलंबित कर दिया है। नहीं लग रहा सौ नंबर बटन लगा, बटन लगा, लगा दो ना यार, बटन लगाओ। रोज रोज लेता है, अरे रोज लेता, किसी से जरूरत नहीं, नीचे उतारेगा नहीं, जो उतारेगा नहीं, चल रहा है, चल, इतना फर्जी फर्जी का कोई नहीं है, कोई फर्जी नहीं है, फर्जी रोज चल रहा है, तो कर दे, तो डेली गाड़ी वाली किया, अरे नहीं वो गाड़ी वाली का करो, अब गाड़ी मिली भेजी। उस दुर्घटना की अभी जांच हमने हमारे डीएसपी रैंक के अधिकारी को सौंपी है और उनको सस्पेंड कर दिया हेड कांस्टेबल को। उनकी ड्यूटी लाइन में थी और वहाँ वो क्या कर रहे थे इसको देखते हुए जांच के उपरांत ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। जिस तरीके से मारपीट भी की गई सफाई के साथ, तो लोगों के जांच में पूरा मैटर सामने आ जाएगा क्या घटनाक्रम था। शहीद हेमू कालानी के बलिदान दिवस पर शनिवार को महाराजबाड़ा स्थित हेमू कालानी चौक पर बड़ी संख्या में पहुंचे हिंदूवादी संगठनों, सिंधी समाज के लोगों और व्यापारियों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। यहां आपको बता दें कि स्वतंत्रता संग्राम में भारत के सभी प्रदेशों का योगदान रहा। अंग्रेजों को भारत से भगाकर देश को जिन वंदनीय वीरों ने आज़ाद कराया उनमें सबसे कम उम्र के बालक क्रांतिकारी अमर शहीद हेमू कालानी को 23 मार्च को अपना बलिदान किया था। शहीद हेमू कालानी जी की जयंती है, इसके साथ साथ शहीद भगत सिंह, शहीद राजगुरु, शहीद सुखदेव जी का बलिदान दिवस भी है। हिंदू महासभा ने हिंदू सभा कार्यालय के अंदर आज स्मृति सभा रखी थी और उसमें जो इन शहीदों को याद किया। युवक हिंदू महासभा द्वारा हिंदू सभा कार्यालय दौलन से एक रैली के रूप में हेमू कालानी चौक पर आए और हेमू कालानी चौक पर आकर जो है शहीद हेमू कालानी जी और उन शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। हमने स्पष्ट कहना है हमारा कि देश का विभाजन जब हुआ तो उसका विरोध हिंदू महासभा ने किया था और यदि आज देश का विभाजन नहीं हुआ होता तो देश विश्व का सबसे बड़ा अध्यात्म गुरु और बलशाली जो है देश कहलाता। लोकसभा चुनावों में इस बार जन अधिकार पार्टी द्वारा अपनी भागीदारी करते हुए प्रदेश की 9 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है। पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस पार्टी से गठबंधन हुआ है, जिसके चलते जन अधिकार पार्टी गुना लोकसभा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार के खिलाफ अपना कोई प्रत्याशी नहीं उतारेगी। और अब हमें दीजिए इजाजत, आप बने रहिए इंडिया खबर लाइव के साथ। नमस्कार।